नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फेरबदल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हां, चुनाव लड़ने वालों की अब कम की जाएगी जिम्मेदारी, साथ ही निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बता दें, नई सूची जारी करने पर अभी मंथन चल रहा है और ऐसे में प्रियंका गांधी की औपचारिक मोहर के बाद ही सूची जारी की जाएगी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी की औपचारिक मोहर के बाद सूची जारी होगी और ऐसे में कांग्रेस प्रदेश में बता दें कमेटी में फेरबदल की तैयारी जो है वो कर ली गई है और ऐसे में चुनाव लड़ने वालों की अब जिम्मेदारी जो है वो कम की जाएगी। साथ ही निष्क्रिय जो लोग हैं और अधिकारी हैं उनको बाहर किया जाएगा, पदाधिकारियों को। साथ ही प्रियंका गांधी जो है ऐसे में नई सूची पर मंथन जो है वो ये चल रहा है और ऐसे में प्रियंका गांधी की मोहर जब लगेगी उसके बाद ही सूची को जारी किया जाएगा। तो अब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ रहे हैं यूपी में, उसको लेकर तैयारियां जो हैं जोरों पर है और इस बार कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फेरबदल की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और साथ ही चुनाव लड़ने वालों की अब कम जो है वो किया जिम्मेदारी कम की जाएगी और साथ ही निष्क्रिय जो पदाधिकारी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वहीं बता दें आपको, नई सूची जारी करने पर मंथन चल रहा है और ऐसे में प्रियंका गांधी की औपचारिक मोहर के बाद ये सूची जो है वो जारी की जाएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, क्या कुछ अपडेट है? ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फेरबदल की तैयारी अब शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पारुल, सबसे पहले बता दूं कि अब कांग्रेस ने भी अपनी जो गतिविधियां है वो तेज कर दी है, क्योंकि बाकी पार्टियों ने जिस तरीके से सम्मेलन है, बैठक है, छोटी मोटी जो पीसी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो उस तरीके से उन्होंने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसी ही तर्ज पे प्रियंका वाड्रा जो है, यानी प्रियंका गांधी, अपने जो यहाँ प्रदेश की कमान जो है वो अब फिर से फेरबदल करने में जुट चुकी है। हालांकि लखनऊ में जो प्रदेश अध्यक्ष है यानी कि लल्लू सिंह, अजय सिंह, उनका भी कुछ सूचनाएं ऐसी भी मिल रही है, उनकी भी जो गति है वो जा सकती है। और लखनऊ के तर्ज के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, बाकी जिलों के भी जो जिला अध्यक्ष होंगे उनमें भी फेरबदल की बातचीत चल रही है। तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यानी कि रूबी इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, कांग्रेस बिल्कुल भी कोई भी जो है चीज नहीं छोड़ना चाहती, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती जिसकी वजह से उन्हें जो है आगे कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए इस बार तैयारियां जो है वो शुरू से कर ली गई है। जी बिल्कुल पारुल, तैयारियां पूरी हो रही हैं और यहाँ पे लगातार लखनऊ में भी बैठकें हो रही हैं और इसके साथ ही सूचना ये भी मिल रही है कि कुछ दिन के बाद प्रियंका खुद लखनऊ आएगी और यहाँ के जो पार्टी कार्यकर्ता है या फिर प्रवक्ता है या फिर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबके साथ एक बैठक करेंगी और इसके साथ ही साथ 403 विधानसभाओं के लिए कोई सूत्र या ये कह सकते मंथन भी करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस भी जो है वो भी तैयारी कर चुकी है कि अब समय बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में वो मौका नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि बाकी पार्टियां जो है वो एकजुट होकर अपने सम्मेलन है या बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को समझाने में जुट चुकी है। दीपारू, बिल्कुल रूबी, और क्या कुछ ये भी जानकारी मिल रही है जो नई सूची जारी की जाएगी उसमें कौन कौन शामिल होगा? देखिए ये भी गोपनीय है और इस बारे में अभी कोई भी लिखित तौर पे भी बताया नहीं गया है और ना ही ऐसे कोई सूत्र अभी बताया है कि कोई भी फेरबदल होगा या उसके नाम आ चुके हैं। बस सूचना इसी बात को लेकर है कि लखनऊ के तर्ज के साथ साथ दिल्ली में और या फिर उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की बात करें, उन सभी में वो फेरबदल किया जाएगा ताकि जो सत्ता है यानी कि फिर से एक बार वापस पाने की जो रणनीति होगी उस पर बैठक की जाएगी। फिर उसके बाद फेरबदल की जो स्थिति इसीलिए पैदा हो रही है क्योंकि जो पुरानी लोग हैं उनको माना ये जा रहा है वो अब डमी हो चुके हैं, उनके आधार पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। यानी विधानसभा का चुनाव जो है वो काफी तेवर वाला होगा, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या सभी पार्टियां जो है वो एकजुट हो रही है और अपने अपने जो आला अधिकारियों के साथ या ये कह सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है, लगातार रणनीति तैयार कर रही है और ये भी बता रहे हैं कि लखनऊ में बहुत जल्द
प्रियंका गांधी आएंगी और वो यहाँ के लखनऊ बिल्कुल रूबी। और इसी के साथ यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस बार एक नए रंग के साथ एक नए रूप के साथ सामने आएगी। बिल्कुल सही कहा पारुल, रूप और रंग बिल्कुल बदले हुए नजर आएंगे क्योंकि तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं और गांधी परिवार से प्रियंका गांधी को काफी एक्टिव माना जाता है, यानी कि इंदिरा गांधी का छवि देखा जाता है और ऐसे में कार्यकर्ता भी जो होते हैं कांग्रेस के वो भी प्रियंका गांधी के लिए काफी जोर शोर से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कमाल जो है इस बार फिर प्रियंका गांधी अपने हाथ में लेंगी, राहुल गांधी भले ही साथ में होंगे लेकिन जो कमान होगी उत्तर प्रदेश की यानी कि विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां होगी वो प्रियंका गांधी खुद अपने हाथ में रखेंगी। बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं ये सूची कब तक जारी हो पाएगी इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? देखिए सूत्र अभी यही बता रहे हैं बहुत जल्द कुछ लोगों के नाम सामने आ जाएंगे जिनमें लखनऊ से लेके दिल्ली हो या फिर जिला अध्यक्षों को जो भी चेंजेस होगा बहुत जल्द इनके नाम सामने आएंगे। एक प्रेस वार्ता की जाएगी, उस प्रेस वार्ता में ये भी बताया जाएगा कि क्यों ये जरूरत पड़ रही है और ऐसे में ऐसे नाम जो सामने निकल के आएंगे वो कौन से मठाधीश होंगे, यानी कि क्या वाकई में वो कर्मठ और जुझारू होंगे पार्टी के जो नेता होंगे, क्या वाकई में वो पार्टी को नई तरीके से नया रंग देंगे। इन सभी बातों को लेकर नए नाम की रिपोर्ट एक तैयार की जा रही है और बहुत जल्द एक ब्रीफिंग के जरिए हम सभी मीडिया वालों को बोला गया, आप लोगों को सूचना दी जाएगी, बहुत जल्द आप लोगों को बता दिया जाएगा वो नाम कौन कौन से होंगे। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फेरबदल की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है और ऐसे में नई सूची पर मंथन जारी है। प्रियंका गांधी की औपचारिक मोहर के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की तैयारी आगे बढ़ रही है, अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता इसको लेकर अगले हफ्ते बैठक करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक जेडीयू अगर यूपी में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा तो 20 सीट पर भी समझौता कर सकता है और वजह यह है कि इससे पहले भी यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में जेडीयू 200 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और लगभग 24 सीटों पर यह मजबूत दिखे थे। 2007 में बीजेपी अपना दल और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था जिसमें जेडीयू 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाई थी। ऐसे में 20 सीटें जेडीयू चयनित कर रहा है और इसी के आधार को बनाकर इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय महामंत्री अशफाक अहमद खान ने बताया कि गठबंधन को लेकर बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है और हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी के साथ गठबंधन में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की है और ऐसे में यूपी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में जेडीयू के लिहाज से जो समीकरण वाली सीटें हैं उनको चिन्हित करें और ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय महामंत्री ने बताया कि यूपी जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह जल्द ही विधानसभा क्षेत्रों का चयन करके बताएंगे और इसके बाद बीजेपी से आगे की बात की जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जेडीयू जो है वो जुट गई है और ऐसे में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो की जा रही है और ऐसे में जेडीयू अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है और ऐसे में जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी के साथ गठबंधन करने की ही होगी।
चलिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है शिमला से, जहां पर शिमला में एक पहाड़ का हिस्सा टूट गया है। भारी भूस्खलन की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है। शिमला में पहाड़ का हिस्सा जो है वो टूट गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। साथ ही बता दें शिमला से किन्नौर जाने वाला हाईवे भी बंद हो चुका है और ऐसे में कई गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर शिमला से सामने आ रही है। साथ ही बता दें आपको राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और ऐसे में शिमला में पहाड़ का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे कई गाड़ियां जो हैं वो जाम में खड़ी हुई हैं, रास्ता बंद हो चुका है। शिमला से किन्नौर जाने वाला हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और कई गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन जो है वो होता रहता है। ऐसे में एक बार फिर शिमला से किन्नौर जाने वाले हाईवे पर यह भूस्खलन हुआ है, जहाँ पर पहाड़ का हिस्सा टूट गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयावह तस्वीरें हैं, किस तरह से पहाड़ का हिस्सा जो है वो टूट गया भरभरा कर, और ऐसे में भारी नुकसान जो है वो हो सकता है इसमें हुआ हो। तस्वीर ये भी देख सकते हैं किस तरह से जाम की स्थिति वहां पर बनी हुई है। हालांकि अभी तक इस पूरे भूस्खलन में क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कुछ लोग फंसे हैं या नहीं फंसे, इस बात की जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर शिमला से हम बता रहे हैं, जहां पर पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो टूट कर गिर गया। हालांकि किसी ने ये वीडियो बना लिया इसका और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लंबी लाइन जो है वो गाड़ियों की वहां पर लगी हुई है और ऐसे में भारी संख्या में वहां पर लोग भी मौजूद थे, जिसके बाद लोगों को साइड किया गया और ऐसे में अब राहत का और बचाव काम जो है वो लगातार जारी है। भूस्खलन जहां पर हो रहा है, दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से इधर भी गाड़ियां खड़ी हैं और दूसरी तरफ भी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोला तहसील में बाढ़ से बचाव कार्य के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। उसके बाद भी 71 राजस्व गांव, 62,000 की आबादी और 30 गांव बुरी तरह से बाढ़ से घिरे हुए हैं। 2.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे में आप लोग इस आपदा से सामना कर रहे हैं। ऐसे में सिंचाई विभाग को बाढ़ से बचाव के लिए परियोजना बनाने के लिए कहा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ये बातें रविवार को गोला कस्बा स्थित VSAV इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बाढ़ से बचाव के लिए 50 स्टीमर लगाए गए हैं और स्टीमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऐसे में NDRF, SDRF, PSC की फ्लड यूनिट को बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। वहीं संसाधन की कोई कमी नहीं है और हर पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं पीड़ितों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दिया जा रहा है, साथ ही राहत पैकेट में चावल, दाल, आटा, तेल, प्लास्टिक आदि पर्याप्त मात्रा में सामान दिए जा रहे हैं। वहीं बता दें साथ ही गाँव गाँव में डॉक्टरों की टीम दौरा करके लोगों को बीज जल जनित और बीमारियों से बचाने का लिए दवा का वितरण भी कर रही है। तो ऐसे में गोरखपुर में सीएम योगी पहुंचे थे, जहां पर परियोजना बनाकर शुरू होगा बाढ़ का काम। तो सीएम योगी की तरफ से तमाम बातें कही गई थी। चलिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ और अपडेट है? सीएम योगी कल गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बाढ़ से ग्रसित और प्रभावित इलाकों को लेकर लोगों को संबोधित किया था और तमाम जानकारी जो दी गई थी कि राहत का काम लगातार जारी है और लोगों को राहत सामग्री भी दी जा रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का ये क्योंकि गृह जनपद रहा है उत्तर प्रदेश का, और क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसे जो है बाढ़ ग्रसित घर है, लगभग सैकड़ों घर डूब चुके हैं और यहाँ जो लोग हैं वो बाढ़ से जो है पूरे ग्रसित हो चुके हैं जी। और जितने भी लोगों को राहत सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है बांटी गई,
और जो भी राहत बचाव कार्य जारी है, यहाँ के जो भी जिला अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक है, एडीजी हैं, सारे लोग लगे हुए हैं अपने राहत बचाव कार्य में भागीदारी निभा रहे हैं। जी बिल्कुल मृत्युंजय, और कितने लोगों तक कितने लोगों को राहत सामग्री दी जा चुकी है? अभी अभी तक लगभग जो है 1000 लोगों को राहत सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है बांटी गई थी। अभी राहत सामग्री बांटी ही जा रही है ताकि अभी जितने भी आसपास के जो भी लोग हैं उनको जो है खाने पीने की पूरी व्यवस्था जिला अधिकारी द्वारा उचित कराया जा रहा है। टिफिन बांटी जा रही है और जिला अधिकारी को मतलब निर्देश के जो भी आला अधिकारी हैं वो उनकी दौड़ा रह रही है और जो भी टिफिन बांटी जा रही है, जो भी माल मवेशी हैं उनकी रक्षा के लिए अपना घास भूसा की सारी व्यवस्था उपलब्ध जो है सरकार की द्वारा ही कराई जा रही है। जी जी बिल्कुल मृत्युंजय, अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी हालात कैसे हैं बाढ़ से वहां पर? जी अभी हालात जो है कुछ ऐसा नहीं है, अभी भी बाढ़ जो है पानी जो है तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इसके लिए पूरी प्रशासन मुस्तैद है, किसी भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो इसके लेके पूरे यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं पूरे मुस्तैद हैं, सारे जितने बांधे हैं पूरी बांधे पे लाइट लगा दी गई है। जैसे कि मैं बात करूं कि 98 की जो बाढ़ आई थी उसकी स्थिति में जो यहाँ की जो बंधा है वो टूट गई थी और जिससे पूरी जो है मतलब जलमग्न हो गया था, उसको लेके शहर के बचाव को लेके पूरे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा दौरा किया था, पूरे बांध का दौरा किया था, पूरी लाइट लगा दी गई है और प्रशासन की निगाहें बनी रही है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार रहेंगे। जी जी चलिए मृत्युंजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें गोरखपुर में बाढ़ से काफी इलाके प्रभावित हैं, लोग परेशान हैं, ऐसे में सीएम योगी लगातार जायजा ले रहे हैं, लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं, ऐसे में परियोजना बनाकर बाढ़ से बचाव का काम शुरू होगा, ये तमाम चीजें जो है सीएम योगी की तरफ से कही गई थी। आगरा में सपा के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आगरा दौरा है और ऐसे में इस दौरान सुबह 11:00 से वो आगरा के लिए रवाना होंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मित्र की मां का 2 सितंबर को निधन हो गया था, जिसके चलते अखिलेश अपने मित्र से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही बता दें सलोनी ऑयल मिल के मालिक और वरिष्ठ सपा नेता स्वर्गीय शिव कुमार राठौर के आवास पर भी अखिलेश जाएंगे और परिवार के साथ शोक व्यक्त करेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव के दौरे में कोई भी सियासी कार्यक्रम अभी तक तय नहीं है। बता दें आगरा दौरे पर अखिलेश यादव आज हैं और अपने मित्र के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के 38,948 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जबकि इस दौरान 219 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 4,40,752 पर पहुंच गया है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज अब घटकर 4 लाख हो चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में संक्रमण से 43,903 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 4,04,874 है, जो कुल मामलों का 1.23% है। तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 2.76% है, जो पिछले 7 दिनों से 3% से कम है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.58% है, जो 71 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में रिकवरी रेट अब 97
98.44% हो गया है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि भारत में रविवार को कोरोना वायरस के लिए 14 लाख से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद देश में सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा अब 53 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। वहीं बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 219 लोगों की मौतों में केरल से सामने आए 26,701 नए मामले और 74 मौतें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया है। बता दें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। रविवार को कुरैशी के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की गई है और ऐसे में यूपी पुलिस का कहना है कि रामपुर जिले के सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ता आकाश सक्सेना की शिकायत पर कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने एक नया संगठन बनाने का ऐलान सब कर सबको चौंका दिया है। दरअसल रविवार को पटना में छात्र नेताओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ बैठक के बाद तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद नाम से नए संगठन बनाने की घोषणा कर दी है। ऐसे में तेज प्रताप का दावा है कि ये संगठन RJD को मजबूत करेगा और तेजस्वी यादव की मदद के लिए बनाया जा रहा है। वहीं तेज प्रताप ने संगठन बनाने की घोषणा के दौरान कहा, यह संगठन राष्ट्रीय जनता दल को ही मजबूत करेगा और उनकी माने तो इस संगठन का विस्तार बिहार के अलावा बाहर भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संगठन RJD के बैकबोन के रूप में काम करेगा। वहीं तेज प्रताप ने यह भी कहा कि इस संगठन की बैठक RJD ऑफिस में ही की जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पिता लालू प्रसाद यादव से सलाह मशवरा करके ही उन्होंने संगठन का गठन किया है। उन्होंने नए संगठन के लिए पिता लालू यादव का आशीर्वाद भी लिया है। हल्द्वानी में एक ऐसी घटना घटी जिससे पुलिस की छवि जनता की नजरों में गिरती हुई दिख रही है। जानकारी के अनुसार मुखानी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक बच्ची के साथ एक पुलिस के जवान की तरफ से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी छेड़छाड़ के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसकी परिजनों के अनुसार पुलिसकर्मी पहले भी छेड़खानी की हरकतों को अंजाम दे चुका था। परिजनों ने उसकी छेड़खानी की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जो कि अब पुलिसकर्मी की तरफ से की गई है। बता दें अश्लील हरकतें और बच्ची के साथ ये गलत व्यवहार किया गया और ऐसे में दुर्व्यवहार परिजनों के पास रिकॉर्ड है, जिसे परिजनों ने मुखानी पुलिस के हाथों सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने उस आरोपी पुलिसकर्मी को पकड़ लिया है और ऐसे में आरोपी को मेडिकल के लिए भेज दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।